नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जे वीडियो पूछना में। वाद विवाद प्रतियोगिता चल रही है अभी। धनुर्विद्या की प्रतियोगिता तो पीछे रह गई, अभी तो वाद विवाद इस बात पे चल रहा है कि क्या धर्म है और क्या मेरे ये राज्य के नियम कायदे कानून है। क्यों क्या द्रुपद आपने क्या योजना बनाई है, हम लोग को क्या सभी के लिए बुलाया है? अगर ऐसा था तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दौड़ा देते, ऐसा थोड़ी ना करना चाहिए था आपको। अच्छा, अभी वाद विवाद चल रहा है, क्या कर्ण को अनुमति मिल जाएगी धनुर्विद्या की? धनुर्विद्या मतलब धनुर्विद्या दिखाने की। ये चीज तो मुझे भी गलत लगता है कि सामर्थ्य परीक्षा है और आप अपने ही किसी को खड़ा करके कहो कि भैया ये जीत जाएगा तो समझो मैं जीत गया। नियति क्या करवाती है ये देखने के लिए चलते हैं एपिसोड 101 पार्ट 2। पराजय का तो भय ही नहीं अंगराज कर्ण को, प्रतियोगिता में भाग लेने के अधिकार को छीन लेने को मैं अपमान कहता हूं वासुदेव कृष्ण। जिस प्रकार वृक्ष को जल से ही सींचा जाता है, जल का कार्य दूध नहीं कर सकता, उसी प्रकार आपकी शक्ति का प्रमाण कोई अन्य व्यक्ति नहीं दे सकता। बहुत सही। एग्जाम कोई और दे, नौकरी कोई और करे, ऐसा नहीं चलता है। किसी वस्तु की बात होती तो समझ में आ रहा ना। पर उसकी अपनी शक्ति का प्रमाण तो मेरा मित्र दे ही सकता है। समझे? अब कर्ण को कह रहे कि तुम जाओ शादी कर लो। जीत के तो हम रहेंगे मित्र। कर्ण उठाओ धनुष, लक्ष्य भेद करो। अब रेपुटेशन का सवाल है भाई, अब दूसरे के लिए नहीं जा रहे हो, तुम निकालोगे आईएएस एग्जाम बेटा। तुम बनोगे आईएएस। उत्तम निर्णय है मेरे बच्चे, उत्तम निर्णय है। आके देख रहे हैं। हाँ महाराज ध्रुपद, मेरा मित्र अंग का राजा है, अधिकार है उसे इस प्रतियोगिता में भाग लेने का। वो स्वयं आपकी पुत्री से विवाह करेगा। बहुत दुविधा की घड़ी हो गई यार, एक के बाद एक ट्विस्ट। भाई वासुदेव ने हाँ बोल दिया। उन्होंने तो पहले ही द्रुपद से बोल दिया ना कि मैं रोक नहीं सकता इस चीज को, सामर्थ्य की परीक्षा है तो कोई भी दे सकता है। क्या यहाँ पे क्षत्रिय की बात आएगी? क्या लगता है? देवी द्रौपदी रोकेंगी तो है। कैसे रोक? वासुदेव श्री कृष्ण ने रीजन क्या कि मैं एक सूत्र, भाई सूत्र पुत्र वाला ही होगा, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता भाई। सूत्र पुत्र कि मैं क्षत्रिय का ही वर्ण करना चाहता हूँ, क्षत्रिय या ब्राह्मण का ही। यहाँ बोला भी वही निमंत्रण दिया गया ना क्षत्रियों। सेकेंड टाइम एंटरिंग इन एग्जामिनेशन हॉल, पहली बार तो बाहर कर दिया गया था कि दूसरे का निशान लेके आओ, इस बार भाई अपना लेके आए। रिफिल दूसरे कलर की डाल दी थी। नहीं सर, अपना एडमिट कार्ड लेके आया, नहीं सोच रहे हो? इधर तो मैं एग्जाम दूंगा ना। अब यहाँ जिसकी वैकेंसी है वो अपने रूल्स बताएगा कि मेरे देखो दिस क्राइटेरिया यू डज नॉट फॉलो, दिस एलिजिबल नहीं है आप।
अब तो द्रुपद को भी डर लग रहा है भाई, क्योंकि उसका रिजल्ट वासुदेव से किसने बता दिया ना कि दो लोग सामर्थ्य हैं, अगला तो सामने खड़ा है। द्रौपदी, अंगराज कर्ण प्रतियोगिता जीत सकते हैं। अभी सब तो यही देख रहे हैं सर, राजकुमार की धनुष उठेगा कि नहीं उठेगा, हम सब नहीं उठा था। अंग्रेज का इतना तो सामर्थ्य है भैया, किसी प्रतियोगिता को बीट करने का सामर्थ्य तो दोनों में था, लेकिन एक दूसरे के सामने की जो टक्कर है ना, कि हम में से ज्यादा सामर्थ्य वाले, सामर्थ्य तो दोनों के अंदर, उनकी आजीवन मंशा तो यही था ना कि हमारे और तुम्हारे में सबसे ज्यादा सामर्थ्य वाले। खा लिया भाई, नामा की आंखें देखो, हमारे राज्य का मेरा दोस्त मेरे भांजे का दोस्त है ये मेरा पुत्र, मेरा वीर पुत्र। अभी तक अर्जुन का आगमन नहीं हुआ है, अलग लेवल पे चल रही है, अलग ही फैंटेसी में जी रहे हैं। मामा को अंदर से पूर्ण भाई विश्वास है कि जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, हर किसी को भरोसा है, पता है कि सामर्थ्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है भाई। हाँ, बताया ना कि धनुष जो था वो स्वयं में प्री क्वालिफाइंग एग्जाम था, कि जो धनुष उठा लेगा उसने प्री कर लिया, मेन सब आ रहा है। बस भाई लगाने वाले उठिए देवी द्रौपदी। आर्यवर्त में इस प्रतियोगिता को जीतने की शक्ति दो व्यक्तियों में है महाराज, पांडु पुत्र अर्जुन और ये देवी द्रौपदी, अब आपको ही अपना विवाह सुनिश्चित करना होगा। यदि कर्ण से विवाह करने की इच्छा द्रौपदी की ना हो तो वो मना अवश्य कर सकती। भाई निशाना साध लिए, क्या चर्चा में टेंशन तनाव बढ़ाते हुए वो देख रहे वासुदेव कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, तो पहले उन्होंने बोल दिया
रोक दिया। फाइनली फाइनली मुझे तो लगा दो विजेता होंगे उसमें से एक चुनेंगे भाई, यहां तक लग गया था मुझे क्योंकि क्रिएटिव लिबर्टी जो मिल रखी है। मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं अपमान। ट्रिगर पॉइंट उन्होंने दबा दिए तुमने सूट पुत्र। जीवन भर इसी चीज का अपमान मिला है। जीवन भर बेचारे कर्ण को जिस चीज का अपमान मिला है वही अपमान द्रौपदी के मुखमंडल से बाहर निकल आया। जैसा कि इस एपिसोड में दिखाया गया है कि द्रौपदी ने एक स्पष्ट वाक्य में कह दिया है कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। इसके आगे तो कुछ बात ही नहीं रह जाती ना, क्योंकि स्वयंवर में कन्या का जो आखिरी डिसीजन है वो सर्वोपरि, उससे ऊपर कुछ नहीं है। जो कन्या का फैसला है वही सबका फैसला है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था टाइम पे कि कर्ण भी भेज देंगे, उसके बाद फिर अर्जुन आएंगे उनसे भी भेजवा दिया जाएगा, उसके बाद दो में से एक को चुनेंगे। कर्ण अगर भेज देंगे तो फिर अर्जुन क्यों भेजेंगे, कॉम्पिटिशन वही खत्म, ओनली वन सिलेक्शन। तीर भी तो इसी बात तो तुम्हारी भी सही है, दूसरा तीर भी नहीं रखे हैं। हाँ, लिखो फेको। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यही समाप्त होता है। जल्दी लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे।